फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, उसको गर्म करके मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरा लिया, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। यहाँ पे मैं प्याज डाल देती हूँ, जैसे कि प्याज को थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च और 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो इस टाइम पर हम चलिए इसमें आलू ऐड कर देते हैं और आलूओं को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आलू को मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया था थोड़ी देर के लिए। तो अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी पाउडर, तो मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, मैंने 1/2 चम्मच लिया है नमक को, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा ढक के हम सब्जी को पकाएँगे और चलिए चेक करते हैं सब्जी को। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी। पहले शिमला मिर्च इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ओवर कुक हो जाती तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, हल्का क्रंची क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है। तो चलिए सब्जी को ढक दिया है मैंने, अब चेक करते हैं। अब इसमें इस टाइम पे हम मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसमें गर्म मसाला और अच्छे से इसको मिक्स करके मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, तो उसको भी मैं ऐसे डाल के ढक के पका लेंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए जिससे मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल पाएँ। सब्जी यहाँ हमारी पक गई है और चलिए हम सब्जी को निकाल लेते हैं एक बाउल में। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी सब्जी। और मैंने यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि मैंने यहाँ पे बहुत कम तेल के साथ ये सब्जी बनाई है, सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल यहाँ पे मैंने यूज़ किया था। ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। इसमें हम हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे, कितनी सुंदर लग रही है हमारी सब्जी, खाने में भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।